ज्योतिष सरोवर में आपका हार्दिक स्वागत करता है। अपनी वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसे युग पर चर्चा करेंगे जिसने जनमानस में एक भ्रांति उत्पन्न कर रखी है। जो लोगों के मन में इस योग को लेकर इतना डर बैठा हुआ है, उन्हें लगता है कि मेरी कुंडली में यदि ये योग लग गया तो मेरा जीवन जो है वो व्यर्थ है, निरर्थक है, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और आजकल बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी इस योग को थोड़ा बढ़ा कर बताते हैं, जिसकी वजह से लोग काफी डरे हुए हैं। ये योग है चांडाल योग, जो कि गुरु और राहु की युति के फल स्वरूप बनता है, या गुरु या केतु के युति के फल स्वरूप बनता है। और यदि गुरु और राहु के बीच दृष्टि संबंध भी हो तो भी बनता है, परंतु ऐसा कतई नहीं है कि ये योग हमेशा आपको बुरा फल देगा। कुछ मामलों में ये योग अत्यंत चमत्कारी परिणाम देता है। आज हम इस योग के शुभ और अशुभ फल दोनों को जानेंगे। इसलिए इस योग को समझने के लिए, शुभ फल को जानने के लिए कि किन भावों में योग शुभ फल देता है और किन भावों में अशुभ फल देता है और इनके उपाय क्या हैं, अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा प्रकृति, जिन ग्रहों की युति से ये योग बन रहा है हमें उनकी प्रकृति को समझना होगा। तो हम गुरु को ले लेते हैं। गुरु ज्ञान के कारण, आध्यात्म के कारण, गुरु आध्यात्मिकता के शिखर तक व्यक्ति को ले जाते हैं। शुभ कुंडली में तो गुरु से प्रभावित व्यक्ति जीवन में कभी गलत नहीं करता, उसका विवेक बड़ा उन्नत होता है, बहुत विवेकशील होता है ऐसा व्यक्ति, और सारी चीजों को नाप तौर कर परख कर वो निर्णय लेता है। अनुशासन प्रिय होता है, न्याय प्रिय होता है, धर्मात्मा होता है, और धर्म इत्यादि विषयों में उसकी बहुत रुचि होती है। हमारा गुरु ज्ञान देता है, गुरु हमारे परिमार्जित ज्ञान देता है, यह कहना ज्यादा शुद्ध होगा, गुरु हमें परिमार्जित ज्ञान प्रदान करता है। आप जरा समझ जाते हैं राहु को, राहु की प्रकृति कैसी है। तो राहु को हमारे ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह माना गया है। राहु को छल, कपट, षड्यंत्र, सट्टेबाजी, जुआ, नशा, भ्रम इत्यादि का ग्रह माना गया है। यह एक आसुरी प्रकृति का ग्रह है, एक राक्षस ग्रह है, एक छाया ग्रह है। अब जरा आप कल्पना कीजिए कि यदि ज्ञान के कारक देवत्व के गुणों से परिपूर्ण गुरु के साथ एक आसुरी प्रकृति के ग्रह का संयोग हो जाए तो वह क्या परिणाम देगा। स्वाभाविक है परिणाम जो है वो बुरा होगा। एक उदाहरण समझिए इसको। यदि कोई बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है, बड़ा ही सज्जन पुरुष है, और उस पुरुष के नजदीक यदि कोई आसुरी प्रकृति का व्यक्ति आकर बैठ जाए, कोई राक्षस प्रकृति का व्यक्ति आकर के बैठ जाए, तो असुविधा कितनी होगी। स्वाभाविक है संत को होगी, सज्जन को होगी, क्योंकि असुर का तो यह प्रकृति ही है कि वो दूसरों को छेड़ेगा, परेशान करेगा और आनंद की अनुभूति लेगा, परंतु सज्जन असहज महसूस करने लगेगा क्योंकि उसकी प्रकृति ही नहीं है दूसरों को परेशान करना। वह शांत हो जाएगा लेकिन वह दूसरों को परेशान नहीं कर सकता। यही चीज हम कुंडली में देखते हैं। यदि गुरु और राहु किन्हीं भावों में एक साथ बैठ जाएं, फलस्वरूप यदि लग्न में बैठ जाए, यह मैंने वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाई है और यह लग्न होता है। यदि लग्न में बैठ जाए तो क्या होगा, लग्न को क्या है, लग्न आपका व्यक्तित्व है। यदि व्यक्तित्व में ऐसे ग्रह आकर के बैठ जाए तो वह आपके व्यक्तित्व को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, आपके सोचने समझने की क्षमता को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। इस बात को आप समझिए, हमेशा यह स्थिति नहीं बनती है। कुछ मामलों में ऐसा पाया गया है कि गुरु और राहु की युति अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देती है, और आज हम उन्हीं परिणामों के बारे में जानेंगे। देखिए, अब समझिए कब ज्यादा आपको बुरा परिणाम मिल सकता है। जब गुरु और राहु दोनों ही नकारात्मक हो कुंडली में, या फिर गुरु का बल राहु से कम हो और राहु उस कुंडली में नुकसान पहुंचा रहा हो, तभी चंडाल योग
ज्यादा बुरा फल देता है। यानी यदि गुरु अपनी नीच राशि मकर में बैठ जाए और यदि गुरु यहाँ बैठ जाए मकर पे नीच के होकर के बैठ जाए और राहु भी वहीं बैठ जाए तो यहाँ राहु काफी बलशाली हो जाएगा और इस विशेष लग्न में क्योंकि पंचम द्वितीय स्थान और पंचम स्थान का स्वामी होता है गुरु तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा अधूरी रह जाएगी। लेकिन समझना यह है और ये कई विद्वानों ने माना है कि यदि गुरु और राहु की युति मीन राशि पे हो जाए तो स्थिति बिल्कुल उलट हो जाएगी क्योंकि यहाँ गुरु अपनी स्व राशि में है और राहु एक छाया ग्रह होने की वजह से राहु जिस भी भाव में बैठेगा जिस भी राश पर बैठेगा उसके गुणों को ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पर राहु ने गुरु के गुणों को ग्रहण किया है और यदि डिग्री वाइज भी गुरु का अंतर ज्यादा हुआ यानी गुरु कहीं 25-26 डिग्री पे हुए और राहु कहीं 3 या 4 डिग्री पे हुआ तो ऐसा गुरु और ऐसा राहु व्यक्ति को अत्यंत विद्वान बनाएगा, व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाएगा, उसकी थ्रू आउट एडुकेशन बहुत अच्छी रहेगी और ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा विद्वान ज्योतिष इत्यादि क्षेत्रों में भी रुचि रखते हुए देखे गए हैं। यानी जल तत्व राशियां जो होती हैं उनमें हमेशा से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। उदाहरण के लिए यदि कर्क राशि पे आ जाए, अब कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा की प्रकृति क्या है? शीतल है। तो राहु यहाँ पर आके शीतल हो जाएंगे और ये गुरु की उच्च राशि है तो भाग्य स्थान में आकर के गुरु और राहु की युति आश्चर्यजनक परिणाम देगी। तो कहने का अर्थ यही है कि आप अपने कुंडली का आकलन कर ले और आकलन करने के पश्चात ही इस निष्कर्ष पर निकले कि आपको कैसा फल मिलेगा। स्वाभाविक तौर पे जो मैंने देखा है आम तौर पे कर्क मीन और वृश्चिक इन 3 राशियों में गुरु और राहु की युति अत्यंत सुफल देती है। साथ ही यदि हम भाव की चर्चा करें तो पंचम भाव नवम भाव दसम और एकादश भाव में गुरु और राहु की युति बहुत ही अच्छा फल देती है। उदाहरण भी है हमारे पास, बाल गंगाधर तिलक जी की कुंडली में गुरु और राहु की युति 9 स्थान में थी और वह काफी देश सेवा में उन्होंने अपना जीवन बिताया और उनमें आध्यात्मिकता भी कूट कूट के भरी हुई थी। तो कतई हम यह नहीं कह सकते कि गुरु और राहु की युति हमें खराब फल देती है। और आजकल अगर कोई व्यक्ति राजनीति में जाना चाहे सत्ता सुख में जाना चाहे तो गुरु और राहु की युति उन्हें अत्यंत सफल बना सकती है राजनीति में क्योंकि ज्ञान के साथ एक राहु जो कि दाव पेच का ग्रह है प्रपंच का ग्रह है अगर ये दोनों मिल जाए तो व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो गुरु चंडाल योग से सिर्फ भयभीत ना हो उसको समझें। ये तो मैंने शुभ फलों को बताया, अब जरा हम समझते हैं अशुभ फल क्या हो सकते हैं। देखिए अशुभ फल में ये होता है जो सबसे जो व्यवहारिक है जो मैंने देखा है लोगों पर घटते हुए कि गुरु और राहु चंडाल योग यदि शुभ प्रभाव में नहीं है शुभ फल नहीं दे रहा तो अशुभ परिणाम ये मिलते हैं। आप जितने योग्य हैं आपकी योग्यता के अनुसार आपको उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता है, उसका फल नहीं मिल पाता है। आप मेहनत तो करेंगे 100% बट आपको रिजल्ट आएगा 40%, 30%। आप किसी काम को बहुत ही उत्साह के साथ शुरू करेंगे परंतु अंत तक आप उस काम को नहीं ले जा पाएंगे। या कोई अच्छा चीज आपके साथ होने वाला होगा, अचानक ही कोई ऐसी परेशानी आ जाएगी कि वह कार्य आपका पूरा नहीं हो पाएगा या फिर आपके कार्य का क्रेडिट किसी और को दे दिया जाएगा। यश नहीं मिल पाता है ऐसे व्यक्तियों को। यदि नीच राशि में गुरु हो, पाप प्रभाव में गुरु हो, अस्त हो, शत्रु राशि पर स्थित हो और राहु भी वहां बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को उनके कार्य का यश नहीं मिल पाता, यश के भागी वो नहीं बन पाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसका उपाय क्या है? तो देखिए मित्रों, बड़ा सरल उपाय है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कुंडली उठाएं और देखें कि गुरु किन भावों का स्वामी है, कारक है कि अकारक है। और सबसे अच्छा है क्या, यदि आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं तो दोनों को शांत कीजिए, दोनों के उपाय कीजिए। सबसे पहले आप राहु के लिए दुर्गा माँ की उपासना कर सकते हैं और यदि आपके पास समय है तो सप्त श्लोकी दुर्गा या दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय आप पढ़ें, चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे आपको। और ओम नमः शिवाय का आप जप करते रहें, इससे राहु कंट्रोल में होंगे। और बृहस्पति को अच्छा करने के लिए आप विष्णु जी की आराधना करें, पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और जितना ज्यादा संभव हो अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, अपने गुरुतुल्य जो आपके व्यक्ति हैं आपके घर में या अपने गुरुओं का अधिक से अधिक सम्मान करें। देखिए गुरु और राहु की युति आपको अच्छा परिणाम देगी, इसलिए
मेरा आप सबसे यह आग्रह है कि व्यर्थ में भयभीत होकर के अपने मानसिक शक्तियों को खत्म ना होने दें। ठीक है, बहुत लोग की कुंडली में योग दुर्योग होते हैं, यदि ये दुर्योग आपकी कुंडली में लग गया है तो इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से या आपको तरक्की लेने से रोक देगा, बिल्कुल नहीं। आप इसका निवारण करें, उसके बाद आप पाएंगे कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें देते रहिए। नमस्कार।